का समाधान है हमारी सदगुरु के पास। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान हमारे संस्कृति में नहीं है, हमारे सनातन धर्म में नहीं है। इस विषय पर सर्वप्रथम काशी का जो उद्घोष है उसकी का शुरुआत करेंगे। जो मेरे परमात्मा से जुड़े और मिट्टी से मुझे यहाँ तक लाने वाले भी नहीं, ऐसी महामूर्ति को मैं साक्षात प्रणाम करता हूँ और कामना के मत से मैं वास्तव में जो देखा जाता है कि धर्म क्या, तो धर्म में मैं मानता हूं कि मानव का ऐसा भूत हिटने लगा क्योंकि उसमें भ्रूण हत्या जैसा महाकलंक क्यों। जब हम अपने सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ते हैं उनको देखते हैं तो अभी तक मैं तो अत्यंत रख हूं, लेकिन मैंने अभी तक जितने भी ग्रंथ आदि पढ़े हैं उनमें एक या दो जगह भ्रूण हत्या के प्रयास का तो प्रसंग आया है, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या की जाए ऐसा प्रसंग सनातन धर्म के किसी ग्रंथ में अभी तक पहले नहीं पड़ा। दूसरी बात, जो दो प्रसंग की बात मैं कर रहा हूं उनमें से एक प्रसंग श्रीमद् भागवत का है जहां पर इंद्र ने कयाधु का अपहरण किया क्योंकि कयाधु के गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंत चल रहा था और इस महापाप को रोकने इस सनातन धर्मावलंबी देवाजी नारद पहुंचे और उन्होंने जिस बात को कहा उस बात को आप भी सुनिए और समझिए। जब इंद्र वहां कयाधु को लेकर जाने लगा तब नारद जी आए और रुको रोक दिए, बोले इंद्र रुको क्या कर रहे हो। इंद्र ने कहा मैं देवर्षि आप जानते नहीं है यह राक्षस उनके अंश को अपने गर्भ में धारण किए हुए यह जन्मेगा और भूलोत्पाद मचाएगा और फिर मानव जाति को त्राण देगा, इसलिए मैं इसको गर्भ में ही समाप्त कर देना चाहता हूं। नारद जी ने कहा इंद्र साहब मेरी बात ध्यान से सुनो, यदि तुम यह महापाप करना चाहते हो तो पहले ध्यान रख लो तुमको दो बार जिसमें से ऋषियों ने देवताओं ने और मानव धर्म ने मनुष्य समाज ने सबने एक साथ सहायता करके तुमको दोनों मारो मारा, लेकिन सावधान इंद्र यदि तुमने भ्रूण हत्या की और यदि तुमने यह माफ कर डाला महापाप कर डाला तो जान लो इसका कोई प्राचीन है ही नहीं। मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा लेकिन अपने भावों को मैंने कुछ शब्दों में बुलाया कि बेटी क्यों बचाई जाए उसको एक कविता के माध्यम से आपके सामने रखूंगा। उसमें कि बेटी प्रार्थना कर रही है, गर्भवती बेटी प्रार्थना कर रही है, उस प्रार्थना को सुने समझे और अपने अंतःकरण में यदि पहुंचे आपके तो सारे लोग स्वागत कीजिए। मैं कविता बोलूंगा बात करें मामले सरस मनोज बचपन कुछ जीने को देखो बात्सल्य माधुरी सरस मनोहर बचपन कुछ जीने को देखो मातृ सौम्य ममत्व दवारण आचल दुख पीने को देखो मातृ सौम्य ममत्व दवारण आचल दुख पीने को देखो अभी भ्रूण हूं माना जाती माना कि मैं भ्रूण हूं अभी भ्रूण पर सजीव हूं मैंने जी नहीं अभी भ्रूण हूं पर सजीव हूं कन्या हूं क्या ये कसूर है मैं कन्या भी हूं बस इतना सा कसूर से तुम मुझे मार दो मैं हाथ जोड़ते सर्वत्र प्रार्थना करती हूं सर्वत्र
बात सुन रहे हो मेरी, मुझे न मारो कुछ जीए, मुझे न मारो कुछ जीए। इस कविता के साथ मैं अपने बात को सामने मेरे परमाणु में दूर आएगा